بسم الله الرحمن الرحيم قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب مخلص موحد بزرگو میرے غیور موحد نوجوان بھائیو السلام علیکم کلمہ اسلام پڑھنے والے مسلمان آدمی واسطے اللہ دے سچے قرآن مقدس نے اور پیارے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مقدس نے کچھ ایسے قواعد بیان فرمائے ہیں جنہاں دے تحت مسلمان زندگی بسر کرنے والا اللہ دے دربار دے اندر اس حالت وچ پیش ہو سکدا ہے کہ اس نو دن قیامت دے اللہ کریم اپنی خصوصی عنایت دے ذریعے بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے وے شرائط اور قواعد اس وجہ تو اللہ دی لاریب کتاب مقدس نے بیان فرمائے ہیں کیونکہ مسلمان سڈاونا یا اسلام دے اندر آونا اے آسان ہے عملی طور تے مسلمان بڑھ کے دکھاونا اے ذرا مشکل ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی معصوم محفل دے اندر کچھ ایسے افراد بھی آ کے بیٹھ جاندے ہن جنہاں دا دعویٰ اے ہوندا ہے نشہد انک لرسول اللہ اے محمد سانو اللہ دی قسم ہے اسا گواہی دے رہے ہیں کہ تو ہی اللہ دا سچا رسول ہے
बज़ाहिर सोना मुहम्मद करीम तो उन्हां दी इस शहादत नूं सच्चा तस्लीम करदे हन क्योंकि अंदर दी हालत तां सिवा अल्लाह दे जानदा कोई नहीं। इस वजह तो कसमां चा के ते अपने मुसलमान होवण दीआं गवाहियां देंदे हन। ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਸੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਦਾ ਹੈ ਵੱਲਾਹੁ ਯਾਲਮੁ ਇਨਕਾ ਲਰਸੂਲੁਹੁ। ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੈ ਚੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਸਮ ਚਾਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਚਾ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਸ਼ਹਦ हम गवाही दे रहे हैं तो उन्होंने गवाही भी सुन ली है। हुण सुन वल्लाहु यशहद उन्होंने बारे भी क्या है नशहद अल्लाह अपने बारे आता यशहद उन्होंने भी गवाही दिती है तो गवाही मैं रब भी देना पाया मेरा सोना मैनू रब होवण दी कसम ही ए बेईमान उत्तू हो रेन ते विजू हो रे तो फिर अल्लाह दे रसूल दे नजदीक तो मौत पर गवाही कहीं दी है। बोलो वो भी विचे बैठे ते अल्लाह ने अपने महबूब नू दस दिता कि ए इन्हें झूठ बैठे बोलेंदे नहीं इन्हां दे अंदर तैं सोहणे मुहम्मद मासूम दी इज्जत ते कदर मौजूद कोई नहीं। मगर मेरे महबूब मासूम पैगंबर दी आला जरफी देखो अल्लाह दस भी दिता है कि इन्हां दा तेरे इस्लाम नाल कोई ताल्लुक नहीं। मगर मुहम्मद करीम इंज नहीं आख्या होए कंजरा उठी हो इतों मेरी महफिल चो मेरे सामने बह के झूठ ही बोलेंदे हो। मगर फिर भी सोने मुहम्मद करीम ने सबर व तहम्मुल दा मुजाहरा फरवाया। क्या मतलब इस वजह तो ये मसलहत अपनाई है। हो सकता है जिन्हां दे जाहिर इस्लाम चढ़ गया मुमकिन है कि मेरी सोहबत जबान नाल अल्लाह इन्हां दे अंदर दियां गंदगियां मिटा के ते नूरे ईमान फरवा दे। तू किसे नूं गाल कढ़ ना गद्दारी कर मुनाफकत कर तो अगला बंदा दोबारा तैनू अपने मत्थे लावना भी गवारा नहीं करेगा। तू वो ने जिस मैनू कल डंग मारे है। मगर ये जरफ है मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह का। फिर भी मतानत दयानत संजीदगी नाल सोने मुहम्मद रसूलुल्लाह ने बर्दाश्त किया। तो मतलब क्या है इस्लाम दा दावा करना सौखा है मुसलमान बन के विखावना जरा औखा है। कुरान मुकद्दस ने फरमाया है कि मेरा सोहना पैगंबर तू जदा अपनी महफिल च बैठ के इन्हों कुरान पाक की तालीम करदा है इन्हों तबलीग फरमाइंदे हो उस वक्त इन्हों वेख्या कर जड़े होंगे ना बज़ाहिर तय मुहम्मद पाक दे नाम नू चुमन चट्टन आले तेरी तालीम तेरे कुरान पाक दा बयान सुन के
इन करके सिर हिलाइए। सिर हिलावण दा भी मुख्तलिफ बंदे दे मिजाज होंदे, कई तस्दीक च सिर हिलाइए तो कई इन वेखे कित्थे सट पिया मरदा है। सिर तो हल्दा पिया मगर सोच मुख्तलिफ है। तो कुछ ये होंगे गल सुन के तो सिर हिलाइए, चलो ठीक है तेरे नाल मोक ले सा है। ये अल्लाह की कसम है, ये मैं जड़िया गल्ला बैठा करदा ये कुरान ने नक्शा बयान फरमाया, ये मैं अपनी तरफों नहीं कह रहा। मेरा सोना जदा ये तेरा कुरान सुन दे अंदर तो होंदा है गंभीर, फिर एक दूए नू अरका मारिया वेख मुहम्मद कित्थे सट पिया मरेंदा ही, साडे मजहब के खिलाफ पिया करदा ही, साडे मौलविया के खिलाफ है। जदा अल्लाह का पैगंबर फरमाए हां भाई अल्लाह दे इस हुक्म उत्ते ईमान और अमल है तुहाडा, वयकूलून ताअतुन, अगू आदर बिल्कुल जनाब हजरत जो तुसा फरमा रहे हो बिल्कुल ठीक है। फइजा बरजू मिन इंदक, जदा ये लोग तेरे तू अलग होंदे, फइजा बरजू मिन इन देखा तुहाडी महफिल चूए उठी के वैनन अलग होंदे, गल दी समझ आ रही ने तेरे तू कि होंदे न अलग जुदा होंदे ते तू वखरे होंदे, ते जे सोना मुहम्मद करीम हाजिर नाजिर हर जाते है तो वखरे किदे होंदे, गल दी समझ आई ने कि नहीं। अल्लाह का महबूब जो हर जगह ते हाजिर भी है ते नाजिर भी है, तो कुरान क्यों आता है मेरा मुहम्मद बरदू मिन इंदक जदा ओ तैथू अलग होंदे, तो मालूम होंदा है हर जाते हाजिर नाजिर कौन है। बोलो ये हाजिर नाजिर सोने मुहम्मद मासूम ओ मखदूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मनना ए नबी दी भी तौहीन है, रब दे कुरान दी भी तौहीन है। तू आना हाजिर नाजर है, अल्लाह आदा नहीं नहीं तू हाजिर नाजर नहीं, तू हाजिर नाजर उत्थे जिथे बैठा है, इस वजह तू तेरी महफिल छोड़ के वखरे मशवरे करें दिन ताके इत्थे साडे इन्ना मशवरे ते गुफ्तगू दा मुहम्मद पाक नू पता चलना नहीं है। तो खैर जदा तैथू अलग होंदे बयत ताइफतुम मिनहुम गैर अल्लज़ी तकूल, जो तेरे कोल सुन के आते अद्धी राती बह के उसके खिलाफ मुहिम चलावण दे प्रोपगंडे तैयार कर दें कि मुहम्मद पाक की इस तकरीर का तोड़ असा लोगों के बकवासात और के असा फिजा कायम करनी है, लोगों के सामने असा इंज दा माज अल्लाह मुहम्मद करीम का नक्शा पेश कराए ताकि जेड़ा उन्ना मुहम्मद करीम को कुरान सुने उस कुरान सुने का असर उन्होंने दिल च मौजूद ना रहे। मगर अल्लाह ने अपने सोने पैगंबर नू फरमाया वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यतून, मेरा सोना तू परेशान ना हो, ये भावें सत्ता धरती तो तले लह के भी तेरे खिलाफ मशवरे च करें तैं सोने मुहम्मद की कंड मैं अल्लाह भी लगा नहीं रहा। करें तेरी इज्जत अजमत रिफत वाले तुरे बुलंद होने कोई रोक सकता ही कोई नहीं है। जिमें जिमें प्रोप गंडे करें दे वही सन मैं अल्लाह अक्सर रफा ना लाका जिक्र ये जिमें जिमें भौक दे ज्यादा वही सन उन्े उन्े तेरी इज्जत अजमत न मैं अल्लाह उरूज नसीब फरमा छोड़ना है। मतलब क्या है कि मुसलमान सडावना सौखा है ते बन के विखावना जरा बोलो औखा है। हाँ अलबत्ता अल्लाह दा वादा ये है कि जे बंदा
इस्लाम ते इस्तेकामत नाल कायम रहे तो चाहे जितना भी दुश्मन प्रोप गंडे कर ले उन्होंने अल्लाह ने इस तो नाबूद कर देता है मगर अपने नुमाइंदे की इज्जत नु अल्लाह कभी खराज तक भी आवर नहीं देता। तो इस वास्ते कुरान मुकद्दस ने कुछ उसूल बयान फरमाए हैं जिन्हां दे मुताबिक जिंदगी बसर करने वाला दिन कयामत दे बगैर हिसाब दे जन्नत दे दाखिल हो गए सी। अल्लाह शाला हर मुसलमान नसीब फरमाए करमा लो आमीन ता आखो जा जन्नत को मेरे प्यो दिए जो नाराज हो बैठे हो करमा तुस आमीन च आखो हो सकता है अल्लाह कबूल च फरमाया ते अजो तुहाडे मेरे वास्ते अल्लाह जन्नत दे दरवाजे खोल छोड़े। अल्लाह शाला हर मुसलमान नु जन्नत दा दाखला नसीब फरमाए। तो अल्लाह दे कुरान ने पहली शर्त ए लगाई है कि सब तो पहले मुसलमान आदमी कदी भी कै सूरत च कै हाल च मैं रब दा चेता नहीं भुलेगा। वो हर वक्त उस दे दिल च याद कहती होती है बोलो ते जिंदी याद चोखी होवे ना तो उस नाल मुलाकात करने दी तड़प ते चाहत भी ज्यादा होंदी है। ओ होंदी के नहीं जे इनू बंदा कदी याद ही ना करे उस दे बारे उस कदा सोचना जो यार कदा ही तो मिल पवा आया जे इंदी छेक दिल च ज्यादा होंदी है उहदे नाल मुलाकात करने दा शौक भी ज्यादा होता। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ادي आवाज मठी कर इस दी तुहानू सुनिंदी पईए समझिंदी भी पईए अज रुठे रुठे लगदे हो खैर तां नहीं घरों कि नहीं जल जुल के तां नहीं आए बैठे अल्लाह दे बंदे। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم اولوك جڑے يذكرون दिल च याद कहिंदी रखदे बैठे तावी रब दे तज़करे तुरदे पैन तावी रब नू याद करदे जा रहे बैठे हैं सुते पैन कारोबार कर रहे अपनी दुकान उते बैठ के ते सौदा सल्फ कर रहे मगर उदे दिल दी हर धड़कन च जिक्र कहिंदा जा रही है يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم تجد بندا کسے نو کثرت نال یاد کرن والا ہوے اول راتی سوتیاں پیاں وپھل کے بھی ذکر اسے دا پیا کرے دا ہوندا ہے اللہ فرماندا ہے جیں دے دل وچ میں وسن والا ہاں او راتی سوتیاں پیاں پاسا وی پردے نے تا دا الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ओ हर वेले रब दे तज़करे जारी रखदा है अल्लाह फरमांदा है जिंदे दिल च मैं अल्लाह इंज घर कर जावा ओदे सामने नू वी मैं अल्लाह इबादत बना देंदा होना ओदे कारोबार नू वी मैं अल्लाह इबादत बना देना क्यों ओ
उस दे दिल नू मैं अल्लाह साफ ते सुथरा कर देंदा होना ओदी नीयत ते कसर ते इरादे दे अंदर मैं फुतूर नहीं आवण देंदा जिवें जिवें ओदा दिल साफ ते सुथरा होंदा वेंदा है ओदी हर अदा नू मैं अल्लाह पसंद फरमा लेना अल्लाह फरमांदा है जदा इंज दा बंदे दे दिल च मैं रब अण डिठे दा ताल्लुक पैदा हो जावे इंज दा बंदा जदा दुनिया ते मैनू याद पिया करदा होंदा है मैनू अल्लाह वण दी कसम है इहो जै बंदे नू मैं अल्लाह अरशां ते याद कर रिहा होना मैं फज़ाइल वाली किताब नहीं पिया पढ़दा ए रब दे कुरान ने फरमाया है अल्लाह दे कुरान ने फरमाया है फज़कुरूनी अज़्कुरकुम जेड़ा बंदा दुनिया ते मैनू याद करन वाला होवे बाबा मरता नहीं गया यार कि जनाजा ना पढ़ावना पै जावे अल्लाह फरमाता फज़कुरूनी अज़्कुरकुम जेड़ा जमीन ते मैनू याद पिया करेंदा होंदा है अज़्कुरकुम मैं अल्लाह उस दियां अरशां ते धुम्मा पा छोड़ेंदा होना किवें इस बिरादरी मुखालिफ हो गई मगर इसने मेरे नाल ताल्लुक नहीं त्रोड़िया इहदे माली दुश्मन हो गए मगर इसका ताल्लुक मेरे नाल कमजोर नहीं होया ए भुखा होया है तभी मैनू सड़ मरेंदा रह गया है ए दुख होया है तभी मैनू सड़ मरेंदा रह गया है ए दिया जान दे दुश्मन बन गए तभी मैं रब कल्ले नू सड़ मरेंदा रह गया है अल्लाह करीम उस वक्त मलैका नू सड़ के याद है वेखो इसे बंदे दे बारे तुसा आदे आए यफसे कुद्दिमा अल्लाह इस बंदे नू अपना खलीफा न बना इस ता दुनिया ते बन के दंगा फसाद बर्बाद कर देना है इसने ता कतलो गारत शुरू कर देनी है लिहाजा तू इस दी जाते साढ़े भी चुकी से नू खलीफा ते नुमाइंदा दुनिया ते बना दे अल्लाह करीम उस वक़्त बतौरे फखर ते मलाका नू कट्ठा कर गया दे ओ इसे दे बारे आते आए ए फसादी आए इसे दे बारे आते आए ए कातिल बन गई सी इसे दे बारे आते आए कि इसे इंतशार पैदा करना है वेखो मैं इसनू सारी दुनिया तो कला कर छोड़िया वै इहदे मां प्यो इहनू छोड़ गए इहदे भैण भीरा इहनू छोड़ गए ए वतनों बेवतन हो गया है इहदा सब कुछ मैं रब ने तबाह बर्बाद कर दिता है मगर वत भी मत्था जमीन ते टेक के आता पिया सुबहान रब्बिल आला वल्ली है मैनू याद पिया करेंदा है अल्लाह फरमांदा फज़कुरूनी अज़्कुरकुम जेड़ा इंज करके मैं रब नू याद करन वाला होंदा है उस दियां धुम्मा मैं अल्लाह फिरिश्तियां दे अंदर भी कर छोड़ेंदा होना इस वजह तो अल्लाह करीम फरमांदा है जिंदे दिल च मैं अल्लाह वस वेंदा अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन वक़ूदन वअला जुनूबिहिम वयतफक्करून फी خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك جدو زمین دے ذرے ذرے ول ودا یتفکرون فی خلق السماوات والارض ودھ کہ اے چن چڑھیا کھلوتا ہے ستارہ چڑھیا کھلوتا ہے سورج ابھردا پیا ہے تے لاندا پیا ہے چن وڈا وی ہوندا ہے تے چھوٹا وی ہوندا ہے ایک دن ابھریا آئی تا چوڑی ٹرٹی ہوئی ونگ طرح
मगर चौधरी आली रात नो है भरपूर जो बनते आया खलोता है उस वक्त तो तले थी आन मरे इतने तो वड़िया करनी आलिया सरकार फूका मारे जबान बंद कर दे दे तवीद लिखन तो मजते थन सुखा दे दे चुटकी मारे तपारा नो हलवा बना दे दे मगर जदा दी मैं अख खोलिए इन्हे सूरत चलो चढ़दे ही वेदा प्या जदा इन्ना चीजा नु वेद उस वक्त तो दा दिल प्या दा रबना मा खलकता हाजा पातलन ओदा दिल पिया मनेंदा पातलन सारी दुनिया पातले सच्ची जात एक रब दी ते सच्ची कलाम दुनिया ते आई है ता रब दा कुरान आया है रह गई हूँ नारा मारन बिल्कुल नहीं तुसा अगर मैं नारा मारन भी से तुसा जवाब नहीं देना टाइम ना जाया किया करो यार मैं जींदा तो बैठा जब मर गयो मैं इत्थे बाणे हाँ अलबत्ता नारा तकबीर आवे तो अपने ईमान की हैरत का सबूत दिता करो बुलंद आवाज नाल उसका जवाब दिता करो बाकी नारियां नूं छोड़ो इंज टाइम जाय कर दो हां जी मसला मैं ये समझाया जिंदे दिल च हमेशा याद कहिंदी होवे एक अल्लाह दी होवे अल्लाह फरमांदा वल ओदे दिल च कशिश पैदा होंदी है जो यार मेरी उस सज्जन नाल मुलाकात भी हो जाए अल्लाह ने ता फरमाया अज बैठे तो रस होना यह मैं अजा अल्लाह करे मेरे पसीना सही तरह आ जाए इंशाल्लाह जल्ले स्टार्ट हो गए उस तीजे भजदे ही नहीं सारे अल्लाह दे कुरान ने फरमाया जिस दे दिल उस रब की याद पैदा हो गई है उसनु हर पासो नजर आंदा तो कौन ओनू सिफा ते कमाल ते औसाफ नजर आंदे तो कहिंदे आंदे इस वजह तो अल्लाह करीम ने फरमाया जदा तेरे दिल च मैं रब वसण वाला हो जावा वल मेरा ए वादा है इन्नी तुहाडे नाल ना जेड़ा मेरे नाल हो जाए मैं अल्लाह उस दा बनवाइंदा होना मेरा साथ भी उसे नाल होंदा है मेरा ताल्लुक भी उसे नाल होंदा है जिस दा जोड़ मेरे नाल हो जावे मेरी रहमत दा ताल्लुक भी उस नाल होइंदा है अल्लाह फरमांदा काल अल्लाह इन्नी माकुम मैं अल्लाह ओदे नाल होइंदा ते जेंदे मोठे ते मैं रब दी कुदरत दा हाथ आ जावे वल ही हो जाए नो दुनिया ते मैं अल्लाह भी जलील नहीं होण देना ही हो जाए दी दुनिया ते मैं रब भी कंड लगन नहीं देना क्योंकि जेड़े हाल जी आए वल भी अशरफ आज नात कौन ने पढ़ाई तेरे को बेईमान है उसे तो बदले बदल लेना है और ना तले पैसे मैं तेनू देसा तेन एक बार ठीक कर लिया قال الله اني معكم अल्लाह फरमांदा है मैं तोड़े नाल तोड़े दिल च वसण वाला कौन है बोलो अल्लाह
ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਏ ਹੁਣ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆ ਅੱਗੂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਦਾ ਲਾ ਇਨ ਅਕਮ ਤੋ ਮੁਸਦਾ ਸ਼ਕਲ ਚ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਅਕਬਰ ਤੂੰ ਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸਗਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜ਼ੋਰ ਤੂੰ ਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਇਤਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ੋਰੀ ਤੈਨੂੰ ਢੁਕਦੀ ਏ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੱਤੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਸਿਰ ਵੀ ਸੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਵਲ ਖਲਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਵਬੇ ਹਮਦ ਕਾ ਵਤਬਾਰਕ ਅਸਮੋ ਕਾ ਵਤਾਲਾ ਜਦੋ ਕਾ ਵਲਾ ਇਲਾਹ ਗੈਰਕ ਵਲ ਅੱਗੋ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਵਲ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਪੜਦਾ ਹੈ ਵਲ ਤੱਲੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਵਲ ਵੀ ਆਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਰੁਕੂ ਚ ਸਿਰ ਉਠਾਵਣ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਬਲਕਿ ਆਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸਮਿਅ ਅੱਲਾਹੁ ਲਿਮਨ ਹਮਿਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਲਾਜ ਪੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਦੀਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮੇ ਅੱਲਾਹੁ ਲਿਮਨ ਹਮਿਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਦਾ ਪਿਆ ਅਣ ਸੁਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਬੋਲੋ ਸੁਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਏ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਜਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਸਿਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਫਰਮਾਇਂਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਸੱਤਾ ਧਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਵਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੁਕਾ ਦੇਵਣਾ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਸ਼ੌਕ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਜੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸਜਦੇ ਚ ਵਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਰਬ ਮਾ ਯਕੂਨ ਲਾਬਦ ਅਨ ਯਕੂਨ ਸਾਜਦਨ ਲਿਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰ ਚਾ ਕੇ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੁੜਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮਗਰ ਤੂੰ ਜੋ ਆਇਆ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਆਪ ਅਗੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾ ਛੁੜਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੰਜੇ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਆਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਨਕਿਰ ਹਾਂ ਤਸਬੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਏ ਤਸਬੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ
ते उस वक्त खलोतो हुए अंदर दुकान दा हिसाब किताब करे दा। तो फिर वही गल हुई ना, अख कार वाल ते दिल यार वाल। अक्सर औकात में ऐसे बंदे वेखे हैं कि खलोते नमाज दे अंदर होंदे हैं ते कदी इंज ते कदी इंज, उत्तु सिर ओ नमाज नहीं खले पढ़ते होंगे, इंज समझो पे अपने कारोबार का कैलकुलेट कर रहे होता है। क्या मतलब, वो फलाने नू इतने खाद दीती है, फलाने नू ऐ सौदा दिता है, फलाने नू ऐ दिता है, उसकी दिल चुके रब वसदा नहीं तो भावे वत बह तुल्ला च भी खलोता हो तो सिवा लानत दे होर कुछ नहीं। अल्लाह शाला असा तुसा सारे मुसलमाना दा दिल साफ ते सुथरा फरमा दे। मुसीबत ए है बे मसला जेड़ा ही बयान कराए तकलीफ जरूर होती है। मैं अज अल्लाह की तौफीक नाल थोड़ा जिहा नमाज नू खुले ना, अल्लाह नाल आखिर मुलाकात जो करनी होती है, तो थोड़ा जिहा उन्हू खुले ने आ जा तो तुसा आखना है बे यार बड़ी सख्ती कर गया। हालांकि कै मौलवी कोलों मतलब शूटिंग मूटिंग तू बचना होवे ना तो मुड़ो उन्हें पहले आ दिन हजरत थोड़ा जिहा हाथ हौला रखे आए किवें भाई आए नमाज रोजे दे बारे लोगों गल करे आए। यानी अपनियां बुरियाइयां नू छुपावन वास्ते खतीब ते मौलवी नू कह आ दिन भाई आए नमाज रोजे वाली गल जेड़े दूए सगंध करें दे पाया उन्ना तू इंज कपड़ा ला के लोगों ना विखाया है, बस जिमें असा परदे च पाया हाजी सुलती बने होया बस उन्या ही रवी है। मगर मैं अज नमाज भी खुले सा पता लग गई सी जो मुसलमान केड़ा है ते काफिर केड़ा है। अज दाड़ी वाला मसला नहीं करना क्योंकि कई मेरे नौजवान खाड़ियां हुणे लुका के बैठे ने। चलो खैर, अल्लाह करीम ने फरमाया ला इन अकमतुमुस्सला, मैनू मिलना होवे तो कड़ी हालत च मिलना है बोलो, मेरे नाल मुलाकात करनी होवे तो कड़ी शकल च, नमाज दी शकल च, तेरा दिल भी पाक होवे, तेरा जिस्म भी पाक होवे, तेरे कपड़े भी पाक होवे, ते जेड़ी जगह ते खलोता ओ जगह भी बोलो सारा पाक होवे, क्योंकि मुलाकात जो पाकां ते पाकां नाल हो रही है, मुलाकात जो पाक नाल हो रही। इस वजह तो अल्लाह करीम फरमांदा है पाक हो के आवे, वुजू करके आवे, इंज ना होवे उत्तों तो मुँह धो के आ जावे ते तल्लू जुराबा पाई वदावे ते उन्ना नू ना धोवे, इंज लकीर मार के आ गए हो पलीता नाल मैं पाक दी मुलाकात नहीं हो सकती। लिहाजा अल्लाह फरमांदा अंदरों बारों पाक होना जरूरी, क्योंकि मैं भी पाक हाँ ते तैनू रस्ता देवन वाला दसावन वाला भी पाक है, कुरान दा खजाना बन के सोड़े पैगंबर दे दिल मुकद्दस से आवन वाला भी पाक है, सोड़े मुहम्मद दी सूरत ते सीरत भी पाक है, सोने पैगंबर दी खसलत आदत तरीकत भी पाक है, मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह दी सीरत ते खसलत चलन वाला मोमिन ते मुसलमान भी पाक है। इस वजह तो मोमिन दा नाम कुरान ने तैयब रखया है, मुशरक दा नाम नजस रखया है, मोमिन पाक है ते मुशरक इन्नमल मुशरिकून तय्यिबुन,
انما المشركون نجاسا مشرک نجاس ہے تے مومن طیب کیونکہ او دے دل چ وسن والا طیب پہلا کلمہ طیب تے طیب مانا پاک پاک کلمہ جد دل چ آ گیا لا الہ الا اللہ اندر پاک ہو گیا ہے ول جد میرے سونے محبوب محمد معصوم مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سنت والا عمل آندا ہے اللہ فرماندا ہے انج سمجھو کہ ستھرے درخت دوتے میں رب نے محمد دی سنت والے پھل پھل لگا چھوڑے تو تی اکلا کل این اے درخت ایمان والا ایڈا ہے کہ اے ہر ویلے لہلا ہندا رہ ویندا ہے سارے درختاں دا اک موسم ہوندا ہے جڑے موسم نو پھل لگدا ہے ولو موسم گیا تے پھل وی ختم ہو گیا مگر میرے محمد معصوم دا لگایا ہویا درخت جڑا ہے اللہ دی یاد والا اللہ دے ذکر والا ان دا ہر ویلے لہلا ہندا رہ ویندا ہے کہ او دے اوتے پھل پھل میں رب نے محمد دی سنت والا لگا چھوڑیا ہے لہذا اللہ فرماتا ہے جے میں رب نال ملاقات کرنی ہے لئن اقمتم الصلاۃ نماز آ کے ادا کیتی کر میرے نال گلاں تو کر لیا کر تیرے اندر دیاں بوجھ کے قبول میں اللہ خود فرما دیونی آئے اللہ کریم فرماندا ہے ایک طریقہ تو چا اپنا میں رب دا وعدہ ہے جتھے وی جڑے حال تھی ہویو تیریاں تھم میں اللہ ہر جا تے پا چھوڑنی آئے دعا میں رب دا وعدہ ہے جد تیرے اتے موت آنی تیرے رو نکلن تو پہلے میں اللہ نے اکھنا صدا مونا علیکم او تیرے اوتے میں رب دیاں سلامتی آئیں تو ساری دنیا نو کنڈ کیتی اے مگر میرے نال تعلق تو نہیں تروڑیا شاباش 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 سلام علیکم تیری ایک قدا نو میں رب نے پسند فرما لیا ہے لہذا پریشان نہ ہو ادخل الجنت بما کنتم تعملون تیرے ایک کا عمل تے میں رب دیاں نظراں جمیاں ہویاں لہذا تیرا جو وی رو نکلنا اسا اجو بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب کر دے ہونا اللہ تعالی ہر مسلمان نصیب فرمائے مگر فرق ہے بڑا تیری نماز پڑھی ہوئی ہو رے تے میرے سونے محبوب دی نماز پڑھی ہوئی ہو تے ول جڑی نماز حسین پہ ادا کریندا ہے اس دا منظر وی ہو تے خدا دی قدرت دا کرشمہ ویکھ روح تے جان اس وقت دیندا پیا ہے جدا حسین دا سر رب دی جھولی وچ پیا ہے کیونکہ اللہ دے رسول جو فرماندا مسلمان جدا سجدہ کریندا انج سمجھو کئی دی جھولی وچ کریندا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس نے بھی نماز نو پانی لایا تا پچھو نو پانی لاون والا میرا محمد رسول اللہ ہے ہاں جس دا نانا محمد رسول اللہ جیسا ہوئے تے والو نو چھاتی نال لا کے شیر پیواون والی ماں فاطمہ ورگی ہوئے تا
तलो दुध पे पिवेंदी ते उतो सूरत यासीन बैठी पढ़दी ते सूरत यासीन भी ओ जिस दे बारे सोना मुहम्मद खैरुल अनाम फरमांदा है ओ लोगो जिवें बंदे दे 360 जोड़दा मरकज बंदे दा दिल होंदा है इन्ने 114 सूरत दा मरकज रब ने कुरान दा सूरत यासीन बड़ा छोरी ए यासीन भी पढ़दी पई होवे ते जिस सूरत यासीन दे अंदर भी उस दिरखान दी शहादत दे तज़करे होवे मालूम होया है के दुध पीवावन लगियां भी मां ने कुरान पढ़ के ते पुत्र दी तरबीयत कीती बछड़ा जिथे नाने दे दीन दे अलम ते झंडे दा नंबर आवे उठे इन्ने गर्दन कटा देवे जिवे इस यासीन आले ने कटा छोरी अपना सिर तला देवे मगर अपने बाबे मोहम्मद दे दीन नु नीवा ना आवण देवे लिहाजा इयो कुरान ने भी तई फरमाया गा या आमनो इस्तईनो बिस्सब्र वस्सलाह ओ ईमानदारो जिवें जिवें तुहाडे सिर ते औखा वेला आ जाए वजन आ जाए दुख ते तकलीफ आ जाए जदा सारी दुनिया कोलो निखड़े खलोते हो उस वक्त दो कम तुसा अपनी जिंदगी च जरूर कर ले एक ता एगे के सबर नाल रहना है उस अणडिठे रब दी शिकायत नहीं करनी जिवे अगे तुहाडे दिल च रब वसदा पिया उन्ने वसाई रखिया है दुनिया दे रिश्तेदारा दी मोहब्बत नु नेड़े ना आवण दिया है सबरो तहम्मुल नाल रवे है ते जदा वेखो के साडे सिर तो पानी तार पिया होंदा है अल्लाह दा वसला नमाज नु इना छुड़िया है अल्लाह दी कसम इना दो कमालात सिफात ते हजरत हुसैन ने पूरा उतर के विखावण दा आकदा फरवा छोड़िया है सबर भी इंतहाई दर्जे दा फरमाया है ते जान देवण लगिया बाबे दी तरबीयत ते कुरान दे हुक्म ते अमल करके जा विखाया है वल भी सिर कटाया है ता सजदे दी हालत कटा दिता है हुण जरा अपनी मन दयानत नाल वे मुहम्मदी नमाज केड़ी हालत नाल पयोंदिया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे अहले बैत फातिमा दी अदा केड़ी सूरत च आंदी पई है ते जेनू दुध पिलावण वालियां मावां इंज दियां होवन पुत्र भी हुसैन वर्गे अल्लाह तैयार कर देंदा है लिहाजा अल्लाह करीम ने साबित फरमाया है कि जेड़ा इंज दा अपने दिल च मैं रब नूं वसावण वाला होंदा है उस वक्त बंदे दे दिल दे अंदर शौक पैदा हो जांदा है कि मेरी उस सज्जन नाल मुलाकात हो जाए इहो जाए बंदियां वास्ते वल रब द कुरान के आदा है ओला मौलवियां कोलो पुछो ओला इसमें इशारा है क्या है ए इसमें इशारा है ओला क्या मतलब है अल्लाह फरमांदा है
ऐ मेरा सोना पैगंबर ए जेड़े बैठे न ओला ए जेड़े तै मोहम्मद दे कदम च बैठे इन दे दिलां दी हालत नूं जानण वाला कौन है। जेड़े मुसलमान हो मेरे नाल बोलो, मतलब दो चार बैठे हो, इन्हां दे दिलां दी हालत नूं जानण वाला कौन है। सारे बोलो करमाले हो। अल्लाह फरमांदा ओला ओ तेरे नाल गल पिया करे ना मेरा मोहम्मद, ये जेड़े तै मोहम्मद दी जुतियां ते डठे पाए, जेड़े तै मोहम्मद दे कदम दे नौकर बने पाए। ओला बैठे केड़े का ए जड़े तै मोहम्मद दे कदमां दे नौकर जिन्हां दे दिल च वसण वाला कौन है। बोलो इन्हां दे दिल दियां गवाइयां दे वाला कौन है। अल्लाह फरमांदा कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, इन्हां दे दिलां दे उत्ते ईमान वाले नक्श मैं अल्लाह खुद भर छोड़े। ओ भाइयो पता नहीं जिंदगी दे अंदर वल मुलाकात होवे या ना होवे, जिंदगी दा पता कोई नहीं। हाँ ए भी नहीं है कि दुनिया दे अंदर सिर्फ आलम कलीम उल्ला है, मैं तो उलमाए हक्का दी जुतियां दा नौकर हां, होर भी बड़े बड़े उलमाए, मगर मेरे अल्फाजा नू बतौरे अमानत दे रख लवे आए। अल्लाह दी जात दा वास्ता ही ने रब दा कुरान के पे फरमाईंदा है। अल्लाह फरमांदा है कतबा उस अल्लाह ने लिखिया है, और आप जरा सोच जदा अल्लाह लिखाई ते आ जाए तो यकीनन ऐ बाली तख्ती ते रब लिखदा नहीं है। लिख सी बोलो तो सही ना यार, बली तख्ती ते अल्लाह कदी लिखाई नहीं करे ना, मालूम हो लिखण वाला ला रहे वे ते लिखण वाला हथ वी ला। बोलो मेरे
तेरे नाल लिखण वाला खुद भी ला रहे बे ते लिखण वाला उसका कुदरत वाला हाथ भी ला रहे बे ते जड़ी कलम नाल लिखदा पे आए ओ कलम भी ला रहे बे ते जड़ी सियाई नाल लिखदा पे आए ओ सियाई भी ला रहे बे हाँ चुके ए निस्बत लिखाई दी अल्लाह वाल जो है लिहाजा अल्लाह ला रहे बे ते जिन्ना दे दिल ते लिखाई होंदी पई है ओ सिद्दीक दा दिल पे आए वे उस जमात दा दिल बे आए वे ओ भावे दिल अमीर मुआविया दा होए सारे अख रज़ी अल्लाह तआला अनो ओ भावे दिल मुआविया दा है ओ भावे दिल अबू सुफियान दा है ओ दिल भावे बिलाल दा है ओ दिल भावे उमर फारूक दा है ओ दिल भावे हजरत अली दा है ओ दिल भावे उस्मान जिन्नो रैन दा है ते ओ दिल भावे सारे सिद्दीकां दे चीफ जस्ट सिद्दीक अकबर अबू बकर दा दिल क्यों ना होवे अल्लाह फरमांदा है इना दे दिलां नूं मेरे मुहम्मद ने सफाइयां करके बे आए बणाया उस वक्त ला रैब ने लिखाइयां करनियां शुरू कर दित्तियां ऐ तेरी मेरी लिखाई मिट सकदी है तेरी मेरी सियाई दे अंदर मिलावट आ सकदी है तेरी मेरी तख्ती त्रुट सकदी है तेरे मेरे लिखे हरूफ मिट सकदे मगर इत्थे लिखाई दी निस्बत रब ने अपने वाल कीती है क्या मतलब है जिवे मैं रब दी जात नूं जवाल नहीं लग सकदा जे मैनू अल्लाह होण दी कसम है मुआविया दे ईमान नूं भी जवाल नहीं लग सकदा इस वजह तो अल्लाह करीम ने फरमाया है उलाएका कतब फी कुलूबेहिम ईमान उन्हां दे दिलां उत्ते मैं अल्लाह ने ईमान लगा दिता है ईमान दा खजाना मुहम्मद रसूलुल्लाह बन गया है इंज ना ईमान दा खजाना ਤੁਸਾਂ ਬੁਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੇਟ ਹੋਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਬੈਠੇ ਰਾਸ ਹੋਣ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਸ਼ਾ ਇਨਸ਼ਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਰਵਾ ਲੈ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਠਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਠਾਰ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ बैठे रहा सो अच्छा ठीक है अल्लाह करीम ने फरमाया ए मेरे सोना मोहम्मद रसूलुल्लाह एक बारी उच्चा च पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमांदा है मेरा सोना मोहम्मद करीम इन्हां दे दिलां उत्ते मैं अल्लाह ने खुद बोल लगा छोड़े हजरत खिजर ते हजरत मूसा दा वाकया बयान करो मैं तुहाडे प्यो दा मुलाजम हां बयान कर मैं जड़ी गल्ला बैठा समझे ना वो समझ आंदी पई है हां मेरा पोतरे वाकया सुनना ही तो बस स्पेशल वा दोबारा प्रोग्राम लवे मियां जी तुहानू कोई टेंशन परेशानी या बोर हो तो वत घोड़े रोवन नालों चुप चंगी है हालांकि ये महीने इस महीने के अंदर लोगों च एक ज़हनियत बनी होंदी है भी इस च सिर्फ सोने नबी की विलादत दे तज़करे होते मगर ये पहले मेजबान हैं कि इस महीने च उन्होंने मैंने इश्तिहार विखाया जो शहादत हुसैन बयार कर रही है मैं इन्होंने आख्या ओ ज़ालिमो इस महीने तो नबी जमदा पिया तुसा कुहावण ते लगे होए हो तो खैर बहरहाल क्योंकि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो दी जिंदगी भी जड़ी है ओ सीरत नबवी दी शाहिद है
अल्लाह करीम ने फरमाया उलाएक कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, उन्होंने दिलों दुते ईमान अल्लाह बोर्ड मैं अल्लाह लगा छोड़े, तेरी मेरिया लिखाइया दे अंदर मिलावट आ सकती है। हा मजे की बात यह है सिर्फ लिख के ते अल्लाह ने उन्हां दे दिलां नूं लुगा नहीं छोड़ दिता। क्यों? जिथे कीमती शाए होवे उत्थे डाकू दे डाके दा वी खतरा आउंदा है। इंजे ना जिथे कीमती खजाना होवे उत्थे कंजरां दे कंजर पन दा वी खतरा आउंदा है। अल्लाह फरमांदा है कोई आम जईयां तख्तियां ता नाल ते लिखण वाला आम वी नाई, लिखिया वी मैं आप ते दिन कियामत तक मैं अपनियां लिखियां या तख्तियां दा मुहाफिज वी कौन है। इस वजह तो अल्लाह करीम फरमांदा कर रहा इलैकुमुल कुफरा वल फुसूक वल इसियान, मैं अल्लाह ने बारों अपनियां रहमत दियां चादरां तान दितियां हैं, कनातां लगा छोड़ियां हैं, बार मैं अल्लाह ने लगा छोड़ी है। जिवें भेड़ां ते बकरियां ढकियां खलोतियां होवें बारों बंदा कंडियां दी वाड़ च लैंदा है, मता कोई कुत्ता ते बिल्ला ते गिद्दड़ अंदर वड़ के ते मेरे माल नूं नुकसान ना पहुंचावे। अल्लाह फरमांदा मैं सिद्दीक ते मुआविया ते उस्मान अली ते उमर ते बिलाल दे दिल दे ईमान दा जदा बोल लगाया है, मैनू पता ही मता कोई कुत्ता ते सूअर ते गिद्दड़ हमला ना करन लग जावे। कर रहा इलैकुमुल कुफरा वल फुसूक वल इसयान, मैं अल्लाह ने बारू अपनियां रामा दियां कनातां लगा छोड़िया है, बारू मैं रब ने बारा ला छोड़िया है, ताके बारू जेड़ा भी गिद्दड़ ते कुत्ता आवे इंजे लूस लूस करके ते फाक फाक के अपने आप नूं वट वट के मार के मिटा छोड़े, मगर मेरे सिद्दीक दे ईमान ते आंच ना आवे, मेरे मुआविया दे दिल आले ईमान ते खराश ना आवे, मेरे मुहम्मद दी जमात आले ईमान दे अंदर दाग ना पैदा होवे, क्योंकि ए भी मेरे ते मैं उन्हां दा। इस वजह तू अल्लाह करीम ने कुरान पाक दे अंदर जिथे ए फरमाया उलाए कौम सिद्दीकून, जिथे ए फरमाया उलाए कौम सादिकून, जिथे ए फरमाया है उमुल मुत्तकून, जिथे ए फरमाया उमुल राशिदून, उथे अल्लाह करीम ने कुरान दे अंदर भी क्या फरमाया उलाए का हिजबुल्ला। समझो शगिर्द मेरे मुहम्मद देव मगर जमात फौज ते फौजी मैं रब दे तैयार होंदे पाए, इन्हां नूं ट्रेनिंग मैं अल्लाह ने खुद दिती है, इन्हां दी रंग रोटी मैं अल्लाह ने खुद अपनी निगरानी च कराई है, हुण एडे कामिल दर्जे दी ए फौज ते फौज तैयार हो गई है, मैं अल्लाह दा वादा के मेरी फौज अल्लाह मिटावन ते आ जावे हुमुल गालिबून, खुद पिटदे पिटदे मिट वई से मगर मुहम्मद दी जमात दा सिर नीवा मैं अल्लाह नहीं होण देवा। ए रब दे कुरान ने फरमाया है, केड़ी किताब ने बोलो तो सही यार, ए रब दे कुरान ने फरमाया ते वजह के बनी है। अल्लाह फरमांदा यज़कुरून अल्लाह क़ियामन, ए तुरदे ही वदन तावी तज़करे कहीं दे वदे करे ने, बैठे गल तावी याद कहीनू पै करे ने, वतनू बे वतन तावी याद कहीनू करे ने पै। हुण इथाई एक हदीस दा वाकया याद आ गए, सुना मचा
जी अल्लाह दे महबूब मोहम्मद मासूम मखदूम सारे उच्चा चपड़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत दे अंदर एक बुढ़ा बंदा आया आखन लगा या रसूल अल्लाह एक मैं आ ते एक मेरी करमाली है जेड़ा कुछ साढ़े घर दा असा साई खांदे पींदे रह गए आखिर एक दिन वसदे खूह भी सुक वेंदे साढ़े घर भी जेड़ा असा साई ओ खत्म हो गया है बाकी मेरा कोई धी ते पुत्र ताए कोई ना मेरा कमावण वाला भी कोई नहीं मेरे जिंदगी दे अंदर एक मौका ऐसा आया ओ मैं तुहानू अपनी बीती सुनावना चाहना मोहम्मद पाक नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया दस के बने आई ओ दसन तां आया बैठा आई ओनू पता आई जे थोड़ी दसा नहीं ओ थोड़ी सोना मोहम्मद नू पता चला बोलो मतलब है आलम उल गायब कौन होया बोलो सारे बोलो ना आलम उल गायब कौन होया एक अल्लाह दे साथ गायब वो चीज होंदी है ना जड़ी पर्दे दे पिछे होवे हवास है खमसा तू पिछे होवे जड़ी अखी नाल नजर ना आवे हाथ लाया महसूस ना होवे कन्ना नाल ओ सुन भी सकदा ना होवे जायका सुंगण नाल भी उसका एहसास ना होवे इसे नू गायब आखे भाई अच्छा हुण जिहड़ा कबर च पिया है वो साढ़े वास्ते गायब च है कि नहीं जी वह सानू नजर आंदा वो कि हालत च गायब च कि हालत च गायब तो उस वास्ते असा भी क्या है परदे चाहे गायब चाहे सानू उसकी हालत का पता नहीं होंदा उसनू साड़ी हालत का बोलो यार होंदा है वो जिन्हों का अकलमंद ही ने वो तो बोलो करमा लो और जुमरात वालियां नू छोड़ो मैं गल्लां मुसलमानां दी बैठा करे ना उसनू साडा पता नहीं सानू उसका नहीं पता हुण उपया सत फुट तले बंदा उत्ते ओ टुरिया वैंदा है ते ओ आदा वे मैनू एदे टुरन दी आवाज आंदी पई है मैं विच कबर च ओदे टुरन दी आवाज नू के करेंदा पिया सुनदा पिया ते मतलब ए मोया आलम उल गैब होया है ते इल्म गैब दी सिफत ते कमाल कहिंदी ए मेरे अल्लाह दी इस वास्ते झूठे और फराडा वाले मजहब अपना के ते लोगां नू फिरकियां दे विच तकसीम ना करो इन्हां बेचारियां नू आपस ही लड़ा भिड़ा के ते तुसा तमाशा ना वेख्या करो मुलवंटे हो कुछ खौफ है खुदा करो पर्दियां चो सुनना ते वेखना ते जानना सिर्फ कमाल कहिंदा है एक अल्लाह भोली कौम नू कदी मोयां देर लै वेंदे ने कदी तवीज़ां देर लै वेंदे ने कदी जंडियां ते कुंडियां देर लै वेंदे ने कदी मज्जू नंगी सरकार आले पासे लै वेंदे ने क्यों आण साडी इज्जत दे सौदे किते ने ओ बागड़ो एक अल्लाह वाला बना तुसा छोड़ो हा ता अज जिथे मोमिन होवे हा ओदी इज्जत दियां चादरां खुद अर्श बरीन तो नाज़िल फरमा चोड़िया तुसा साडियां धीआं दियां इज्जत ही रोल दित्तियां है सानू आते हो करनी आलियां सरकारां मगर उन्ना कोलों असां धीआं भैणां घलेने हैं साड़ियां धीआं दियां इज्जतां भी महफूज नहीं रहिंदियां मैं इसे वास्ते अर्ज करदा हुंना दरबारां दे उत्ते धीआं ते भैणां नू घलणा छड्ड दिओ इन्हां दियां करनी आलियां सरकारां ते सिवा मक्खियां दे होर तुहानू कोई शै नज़र ना आ सकदी इन्ने होना के नहीं होना साड़ियां धीआं नू अपने अय्याशियां दियां रौनकां बनाई देन
तेरी गैरत मर गई है। अल्लाह दा मेरे बैतुल्लाह दा तवाफ भी करना होवी तो किसे महरम नू ना लेके आवे, कल्ली ना आवे। कल्ली अगर बैतुल्लाह दा तवाफ भी करना आवे तो सिवा रब दी लानत दे होर कुछ भी नसीब नहीं होता। अल्लाह दा मेरे घर भी तेरी धी कल्ली ना आवे ते उसनू बैतुल्लाह नालों ज्यादा प्यारा समझे ही जिंदे कोल तवीज लवण वास्ते कल्ली ही धी नू टोर छोड़ेंदा है। साड़ी इज्जत गैरत का जनाजा कढ़िया ते इस जाहिल मौलवी ने कढ़िया, वरना सोना मुहम्मद रसूलुल्लाह तो अपनी तो अपनी रह गई। किसे काफिर दी धी दे भी सिर तो दुपट्टा लथ होया मुहम्मद बर्दाश्त नहीं फरमाया। मुहम्मद की सीरत दसे दी है, काफिर दी है, सिख दी है, हिंदू दी है, यहूदी दी है, मुसलमान दी है, धी धी होती है चाहे काफिर दी धी के होना हो। मगर आज मुसलमान दी धी मुसलमान को महफूज नहीं। उदी वजह यह है कि साढ़े दिल च हमेशा शैतान रहा है, उस रब रहमान का जिक्र तो याद नहीं होती। अल्लाह शाला अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक ने सतवां पारा है सूरा अनआम है, उस अल्लाह ने अपने त्रै अजाबा का जिक्र फरमाया। कितने अजाबा का? पहला अजाब अमिन फौकिकुम, उत्तू अजाब आता है। दूसरा वमिन तहत अरजुलिकुम, अल्लाह जमीन चू इस उम्मत ते कौम दुते अपने अजाब मुसलत फरमा देता है। चौथा तीसरा वो युज़ीकुकुम बासकुम बाज़कुम बासबास, अल्लाह फरमांदा तुहानू मैं आपस च टोलियां टोलियां फिरके ग्रोह फिरका वारियत दी लानत च फसा के तुहानू एक दूए नू लड़ा छोड़े ना। तुसा आदे हो एक पे आदा मैं सच्चा, दूआ आदा मैं सच्चा, ओ आदा तुसा दोए काफिर मैं सच्चा, अल्लाह आदा तुसा दोए काफिर ओ सच्चा मैं आ मैं रब दा ए वयुजी का कुंबा जा कुंबा सबाज ए मैं रब दा अदाल तोड़ी उत्ते आया है कि तानू मुहम्मद जैसा पैगंबर दीता है, कुरान जैसी किताब दीती है, मगर वातवी तानू मुत्तफिक ते मुत्तहिद रहण दी तौफीक नसीब नहीं आई। तानू मैं अल्लाह फोड़ फोड़ के मार छोड़े है। जदा फिरके फिरके हो जावेन उस वक्त इंजे समझो ए खुदा दी तरफ के आया खला है। बोलो ये अजाब आया था। इतना अजाब दा कुरान ने जिक्र फरवाया तो फिर के क्यों बने हैं? बरेलवी, देवबंदी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, कादरी, पादरी, फला फला फला, ये देवबंदी ते सोहरवर्दी बनावन मेरा मुहम्मद मासूम नहीं आया। सोना मुहम्मद करीम तेरे मेरे दिल की गंदगी साफ करके ते उत्ते बोटा ईमान दा लावेण आया। केड़ी शै लावेण आया है? बोलो हाँ। मुसलमान हो मैं इब्तिदा चाख्या है, मुसलमान सडावना सौखा है ते बन के विखावना जरा औखा है। हम तो सारे मुसलमान सड़ीने हैं, मगर वेख लो शक्ल अज भी कहें मुसलमान की दुए नाल रल सकती, कई मुच्छा लेन कई बिल्कुल चट फिस्सा मावा थे ते कई रकाई बैठे। ए आज तक तू हस के टाल छुड़े से ते जदा दिन कयामत दे रब दी अदालत च रब दे अर्श दे सामने मेरा मुहम्मद महबूब खलोता होया ते उसले अल्लाह आख्या बे दस तू सोना है या मेरा मुहम्मद सोना है। एदे चेहरे उत्ते तो वाल सोने पै लगदे न, तू क्यों कटवा के ते नालियां च सटेंदा रहा है? ते रब जिथे क्यों च करे ओदी क्यों दा जवाब कोई नहीं। अल्लाह शाला साडे छोटे मोटे गुनाह माफ फरमाए। बहरहाल सब तो पहला बुनियादी मसाला ये है कि दिल च वसण वाला कौन होवे? एक अल्लाह दी जात होवे। अल्लाह करीम ने फरमाया ए मेरा सोना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अद्धे राती
उठी के ते मेरे अगो ए दुआ कीती कर। अल्लाह दे पाक पैगंबर राती दुआई भी करें दे रहे वैने उन्हां नूं पता है कि मेरी एक एक हालत दा इल्म रखण वाला कौन है। गल याद ही नहीं सही बोलता नहीं गए। अल्लाह दे पैगंबर नूं वन के दसेंदा जो पे है तौनू पता के पर्दियां चो जानन वाला कौन है वेखण वाला कौन है। मलिक साहब सिद्धो बाबा वलीमे ते नहीं आए बैठे। अल्लाह दे महबूब ने फरमाया दस के तेरे नाल बीती है। आखन लगा या रसूल अल्लाह सा दो मियां बीवियां है बुढ़े आए जड़ा कुछ घर पे आए खा पी के मुका बैठे आए। एक दे मेरी घर वाली ने मैनू आख्या अल्लाह दा बंदा जड़ा कुछ घर पे आई ओ ता खा मुका बैठे आए इंज मंजी मल के जो पे आए इंज ता साडे उत्ते मन सलवा कोई नहीं आवना कुछ हरकत करे से ता हरकत च बरकत आवनी है बैर निकल बैर वन के कोई मेहनत मजदूरी करके घिलना कुछ ना कुछ कमावन दे असबाब अपने से ते मुसब्बे बुल असबाब कौन है। बैर निकल कोई मेहनत मजदूरी करके कमा के घिलना या रसूल अल्लाह मैं मदीने दी मार्केट च निकल गया उत्थे वन के मजदूरां दी लाइन च खड़ा हो गया उत्थे खलोता रहा जेड़ा भी कोई सवेरे आया है उसने वेख्या है कोई चंगा हट्टा कट्टा मोटा डट्टा बंदा घेन वन्या क्योंकि ओदे कोलो जो मैं कम लेना है ता मजदूर भी ता चंगा त्रकड़ा होना चाहिदा है। मैं जदा उस लाइन खलोता जेड़ा भी आवे ओ चंगे भले नौजवान नु ले जावे मैं अगे रे होवां ओ मेरे वल वेखण भी नहीं क्योंकि मैं ज़ईफ उल उमर मैं मुअम्मर किस्म दा बंदा मेरे आज़ा भी हलदे आ थर थरां दे आ मैं अगे रे होवां ओ मैनू पिछा वला छोड़ एक दिन मैं खलोता रहा दोयां नूं तां लै गए मगर उन्होंने मेरे वल तवज्जो नहीं कीती आखिरकार मैं आबादी तों बाहर निकल गया उत्थे बन के दो रकात नमाज मैं पढ़ी। केड़ी शाय दिल च वसदा कौन आ तवा तो हूं मिलन भी कहनू गया खला है अल्लाह जिंदे दिल च हर वेले अण डिठे दी याद होवे ओनू पता है कि रब मिलना है ता केड़ी सूरत च रब नाल मुलाकात होनी है ता नमाज दी हालत च इथाई एक गल याद आ गई। अल्लाह दे पाक पैगंबर रोंदे बैठे सोने मुहम्मद रसूलुल्लाह दियां अखां मुबारकां चुआ सुआं ते नीर पै वहदे सोने पर अंबर दी दाली मुबारक भी हंजुआ नाल तर हो गई वल सोने मुहम्मद करीम दा कुर्ता मुबारक सीने वाली जगह तो आंसुआ नाल तर हो गया है। अल्लाह दे पैगंबर कोलो साहबी ने पूछया या रसूल अल्लाह अज तोड़ी अख वड़ी रोंदी पई वजह क्या है। अल्लाह दे पाक पैगंबर
दे दिल च वड़ा दर्द उठया है। ओ यारो कौम नू मैं मसाला भी बेलो सुड़ैंदा, मैं इना दियां मारां भी छल लैंदा, मैं इना दे पत्थर भी खा लैंदा, मगर वत भी इना दे हक च मैं मुहम्मद ने पलोता कदे नहीं कीता, मगर ए वत भी मैं मुहम्मद दी मुखालफत करें दे। ओए जो मेरे आपड़े मेरे दिलों वड़ा जख्म आया है, दर्द आया है, अल्लाह दा पैगंबर रोंदा बैठा है, उत्तों अल्लाह करीम ने सड़ मार के अपने सोने पैगंबर नो फरमाया है, कल्ला रब। ओ मेरा सोना मुहम्मद परेशान हो जे आज तेरा दिल उसड़े पिया है, आ मैं रब नो मिल लाए, आ भजया मेरे नाल मुलाकात कर लाए। अल्लाह तू मकान को तपा के तेनू किथे जाके मिलना, अल्लाह फरमांदा बस जुद वक्त रब सजदा तू चकर ते तेरे सिर न जाके ते छोली बेच माया पा छोड़ना है। मतलब ये रब नु मिलना होवे नमाज दी सूरत बंदा अपना ले, उस वक्त मोमिन रब दे चोखा करीब हो वैंदा है। ओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा गुलाम पिया फरमाइंदा है, मैं चला गया जंगल दे अंदर, उत्थे वज के ते मैं दो रकात नमाज हाजत नीत लई, मैं रो रो के अल्लाह नु आख्या है, जेड़ा मेरे दिने कम आई ओ तम मैं पूरा कर छोड़िया है, मैं तो खुद अपना कोशिश की अगा असबाब बनावे ते भावे न बनावे ए इख्तियार कहना है, भावे टुकर दे ते भावे न दे, मगर नमाज दी हालत च तेरा शुक्र तक बंद मैं गरीब भी नहीं कर सकदा, रो रो के दुआई करके वापस वल गया है। अगू घर वाली बुढ़ी ने पुछया है, सुना के बने आई, अगू या रसूल अल्लाह मैं ओनू आखिया है कि मैं जिस मालिक दी मजदूरी करदा, ओ मालिक मजदूर दी मजदूरी रोजाना नहीं देंदा, बल्कि त्रै दिन दी कट्ठी करके देंदा। कितने दिन दी? त्रै दिन। ओनू पता है ना भाई अल्लाह पाक त्रै दिन तू अगा टपदा, क्योंकि त्रै दे अदद नू सोने मुहम्मद ने भी पसंद फरमाया। वो आखन लगा या रसूल मैं घर आली नू आख्या भाई जेड़े मालिक दी मैं मजदूरी करे ना ना वह त्रै दिन की कट्ठी करके मजदूरी देना, उस समझिया भाई थाई को मदीने का सेठ हो सी जी मजदूरी करे ना, ओदी सोच तले रही ते गुलाम मुस्तफा दी सोच बोलो जिंदे दिल च वसण आला कौन होवे, ओदियां सोचां ही उचियां ही रहंदियां हैं, उन्हां दियां सोचां तले ढांदियां नहीं। खैर दूसरे दिन भी गया या रसूल अल्लाह, फिर भी कोई टाइम ना मिलिया, मैनू कोई भी ना लै गया। आखिरकार तीसरा दिन आया, मेरे भी दिल च होवे कि करमाली नू कारा भी त्रै दिन का कीता होए ते अज दे भी त्री आए, ते वल बुढ़ी शोधियां नू शाला कावेड़ ना चले, गुस्से च आ जावे ते एक बारी अपने आप चू उस आख्या भाई हूं दिन भी तीसरा है, सबब भी कोई नहीं बनिया। गया जंगल च
उसे तरह मन के दो रकात नमाज अदा की थी। इस तवज्जो कर सजदे च गए सुभान रब्बे यल आला पढ़न दे बाद वल रोके ते अल्लाह दे अगे दुआ पिया करें जाग दे बैठे हो ये बंदे दे दिल च रब वसन वाला होवे ते वल इया दुआ करके ते रब कोलो च मंगे सोना मुहम्मद करीम फरमांदा है अल्लाह दा इस दे हथ अड्डे होया नु खाली वलावा त मैं रब नु हया आंदा शर्त ए है के ओदे दिल च वसण वाला कौन होवे रो रो के ए ढाई मार के सजदे दे अंदर पिया दुआ करेंदा है ए गल जदा सोने मुहम्मद रसूलुल्लाह नु सुनाइंदा पिया उतो अल्लाह दा पैगंबर भी सुन सुन के रोंदा बैठा है अल्लाह दा पैगंबर रोदी कण ते थापड़ा मार के दुआई बैठा दे नयादा अय्यादा कल्ला अल्लाह करीम हमेशा तेरी इमदाद फरमाए अल्लाह ने दुनिया ते भी खा दिता है कि जिसका दिल ते सीना मैं मुहम्मदी सीरत नाल रंगया होया होवे अल्लाह उस सज्जन दी दुनिया ते कंड लगण बोलो मुसलमानों अल्लाह दे कुरान ने जो फरमाया है काल अल्लाह इन्नी माको मैं अल्लाह दे नाला असबाब बनावण वाला कौन है अल्लाह दे पाक पैगंबर नु आखन लगा उत्थे मैं दुआ कीती अल्लाहुम्मा अंतल गनीयुल मुतकब्बिरुल मुताल ला यजाल व अना फकीरुल अला बाबिका व मुहताजुल इलैका व अब्दुका ज़लील अल्लाह तू गनी है ते मैं तेरे दर दा फकीर मैं तेरे दर दा मंगता मैं तेरे दर दा पेना मोहताजुन इलैका मेरिया हाजत भी तेरे दरबार अगे हाजत रवा भी तू है गनी भी तू है ला यज़ाल भी तू है अन फकीर मैं फकीर अब्दुका ज़लील ते तेरा कमजोर रोजिया बंदा ते अपने कमजोर बंदे दी मां तू न फते तेनू तो कोई कदे नजर नहीं आंदी ए दुआई करके मैं तुर पिया जिस वक्त मैं तुरया सोचया करमाली ने पुछना के अज तो तीसरा दिन ते वल के कमा के ले आया है उदो भी मेरे इंतजार दे अंदर आई या रसूल अल्लाह मैं जदा घर दे नेड़े पहुंचा लाम चंद कदम मैं दरवाजे दे पीछे वदा मेरी अहलिया बुढ़ी ने दरवाजे नु थप थपाया है उस खड़काया ओदा मकसद ए आई के जल्दी आओ करमा लिया और अंदर दिया हालतां नु जाने वाला कौन बोलो मुसलमानो परदे दिया हालतां नू जानण वाला कौन है जेड़े मुसलमानो जरा हथ खड़ा करके चाखो परदे दिया इल्म रखण वाला कौन है
परदे चो वेखण ते जानण वाला कौन है। अल्लाह दे पाक पैगंबर मुहम्मद करीम नु फरमाया है, मैं ता पहले डर गया के आज तक करमाली बूहे ते आई खलोती। अल्लाह ही खैर करे आज पता नहीं बुढ़ण दी खैरी एक नहीं। मैं जो ही दरवाजे ते अपने आ उस कर्मा वाली मेरी बां फद के मैनू अंदर ले गई। अगा गया ते एक थाल लाल जवाए रात नाल भरे पिया है। मैं वड़ा हैरान होया ये किदों आया है, ये माल टक्का पैसा किदों आया है। ओ मैनू आखन लगी मैं इन्ने पैर वधिया मैनू कहे अंदर ही चू आवाज आई है कमरे चो के त्रै दिना दी मजदूरी सोखी कर लो ये आ गई है। अगा वाल नवी सवी तोड़े नाल वपार होना है। मैनू पता कोई नहीं के कौन दे गया है कौन रख गया है, लिहाजा ऐ समान मैं अंदर आईया ते वेख्या है। वल जदा पैर मैं निकली हूं मैनू पता है कि आज तीसरा दिन है, कुछ ना कुछ कमा के तोड़े आना। मैं चक्की आटा पीसना ली साफ करके रखी के हुए को दाने वगैरह लिया सी ते आटा पीस के ते रोटी दा कोई बंदोबस्त करे साए। मगर जो ही मैं इंज वेख्या है चक्की चलदी वी पई है ते आटा वी आपे आंदा पिया है। अल्लाह करीम ने साडे ते कर दिता है जिंदे दिल च वसण वाला रब होना है। अल्लाह फरमांदा इन्नी माअकुम मैं अल्लाह ओदे नाल रल वैंदा होला। ना होवण होवण ते मैं कर देना मगर दुनिया नू मसला ए समझा देना के तेरी हर जरूरत दा जिम्मेवार कौन। अल्लाह फरमांदा दिल अल्ला रुख मेरे वल चका मैं अपनी रहमत दा रुख तेरे वल कर छोड़ना है। जिंदगी में फिर मिलेंगे जब कभी मौका मिला।